ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव को बेलपत्र चढ़ाने से किस किस चीज़ की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में भगवान शिव ने बताया है कि यदि एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करते हैं तो रिद्धि हमारे घर में प्रवेश करती है। जब हम दूसरा बेलपत्र महादेव को समर्पित करते हैं तो सिद्धि हमारे घर में प्रवेश करती है। दोस्तों, जो हम तीसरा बेलपत्र महादेव को समर्पित करते हैं तो भगवान श्री गणेश हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, जब चौथा बेलपत्र हम महादेव को समर्पित करते हैं तो भगवान नारायण माता लक्ष्मी को लेकर हमारे घर में प्रवेश करते हैं। और जब पांचवा बेलपत्र महादेव को समर्पित करते हैं तो भगवान शंकर गौरा माता के साथ हमारे घर में प्रवेश करते हैं। केवल पांच बेलपत्र चढ़ाने का इतना बड़ा फल मिलता है।